सो हेलो पोके फैंस, वेलकम बैक टू अनदर पोकेमॉन यूनाइट वीडियो। तो आज के वीडियो में हम विनोसॉर के साथ एक ऐसा मज़ेदार गेम प्ले करने जा रहे हैं जिसको देख के आप भी होश उड़ जाएंगे। तो मैं इसमें आपको कुछ विनोसॉर का हेल अटैम्प्ट भी बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर से एंड तक देख लो। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक्सपी शेयर ले लेनी है और उसके बाद आपको बडी बैरियर भी लेना है और फिर स्कोर शील्ड भी ज़रूर से लेना, क्योंकि इसका जो सपोर्ट होता है वो आपको देख ही लो भाई, पूछ नहीं सकते है, इतना ख़राब इसका सपोर्ट और एंड्योरेंस भी बहुत ही कम है। तो इसके लिए आपको ये सब लेना, मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको ये सही बता रहा हूँ। तो गाइस चलो एक मैच मेकिंग शुरू ही कर ले रहे हैं यार। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना, नए बनते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो रेडी हम लोग भी कर ले रहे हैं और ये अपनी मैच गेम भी शुरू हो गई। मैं किसी बताऊँ, हमें ना विनोसॉर की ये बात नहीं है कि मैं पहली बार खेल रहा हूँ, विनोसॉर के बाद साथ में बहुत बार खेल चुका हूँ, पर ये चीज़ है इसलिए मुझे बहुत सारी अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर इसे ज़रूर से देख लो भाई आप लोग। तो भाई ये क्रीक गॉड अभी तक क्या बोलो भाई उस बंदे को, अभी तक इसका पोकेमॉन ही सेलेक्ट हुआ यार, कितना बेकार का टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहा है भाई। सही में फालतू लोगों की कमी नहीं है पोकेमॉन इवेंट में भी। तो यार जल्दी से अपना गेम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं भाई। ये नया मैप आया शायद से, रेजर लीफ हमें प्रेफर करूँगा, क्योंकि रेजर लीफ से इतना गंदा खेल चोरी होता है ना, क्या बताऊँ। अभी तो मैं स्नो लैक्स तो मुझे धो देगा भाई, स्नो लैक्स मुझे किल ही नहीं चोरी करने देगा, देख लो अभी लोग। तो आगे जाके मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये हो गए। तो ये इन नमूनों का नाम क्या है यार गाइस, कमेंट में ज़रूर से बता देना। सीट बॉम्ब ज़रूर से ले लो। यार अब देखना भाई क्या किल चोरी करता हूँ, ये ख़त्म। मैं एक चीज़ बताऊँ, हमेशा एक चीज़ हमेशा आपको प्रेफर करनी चाहिए, जब भी आप ना मतलब आपका विनोसॉर जैसे ही वो आइविसॉर बने ना, आपको सबसे पहले एक अच्छा अटैक लेना स्लज बॉम्ब की जगह, आप हमेशा गीगा ड्रेन ले लेना, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है ना, जब भी आपकी एचपी बहुत कम होती है और जितना भी आपके सामने एनिमी है जैसे ले लो, मैंने गीगा ड्रेन ले लिया, ठीक है। और लो इस पोकेमॉन का मैंने गंदा किल चोरी कर लिया यार, इन पोकेमॉन को मैं नहीं जानता यार, हमें ओल्ड वाला वर्जन खेलने जाता था यार। आप में से किन लोगों को ये सब पसंद है आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर से बता दो। चलो मैं अभी स्कोर कर रहा हूँ, अब मैं रबड़ का किल चोरी करूँगा यार, और ये ख़त्म। और ये कौरबान मैंने कर ही दिया, अब जल्दी से वहाँ भी जाके स्नो लैक्स भी करने की कोशिश करता हूँ यार, इस बार नहीं हुआ यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, स्नो लैक्स ही है, सोने बड़ी अड़ा रहा था यार, क्या बोलो। चलो यार ऊपर जाके इसको पकड़ ले रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन था, मर कैसे गया यार, मुझे पता था कोई ओपोनेंट ही होगा, देख लो स्पीड अटैक की हरकत है यार, इसको गंदा मैं ही ख़त्म करूँगा यार, हद मचा रखी है, किसी ने किल चोरी किया उससे रिवेंज लूँगा मैं। और ये भाई इसने किल चोरी कर लिया, इस गिबाइट को मैंने छोड़ा भाई, इससे होता है स्लो लैक्स भाई। ये गीगा ड्रेन यार बहुत सही है यार, सान वाल को जिंदा नहीं छोड़ता गीगा ड्रेन खेल रही भाई, मैं सोलार बीम प्रेफर करूँगा इस बार, सोलार बीम की रेंज इतनी अच्छी होती है ना, क्या बोलो, खतरनाक वाला किल चोरी करती है। अब जल्दी से जाके ये भी वाइल्ड पोकेमॉन ख़त्म हो गए, चलो ठीक है अब इसको भी ख़त्म कर दूँगा यार, किल चोरी में हम लोग तो एक्सपर्ट हैं यार। भाई ये रजीला की कब आई यार, ये मुझे अभी तक पता भी नहीं था यार ये कभी टूर्नामेंट में आएगी भी। भाई मैं कह रहा हूँ ये रोटोम ज़्यादा खतरनाक इसके अटैक में, ठंडा अटैक ये देख लो भाई, क्या इलेक्ट्रो बॉल क्या क्या फेंक रही है भाई, मैं खुद नहीं जानता। गीगा ड्रेन सही लिया मैंने भाई, देखो क्या चूस के ख़त्म कर दिया भाई पूरा। अरे वाह, स्टील टाइप पोकेमॉन ने ख़त्म कर दिया यार, ड्यूरालूडॉन को, एजी स्टील को ख़त्म कर दिया यार, मेरी एच पी बहुत कम हो गई, सिट्रस वैली खा के आपने हमेशा ना जितना भी ये रोटॉन जैसे पोकेमॉन्स हो ना उनके पीछे रहनी चाहिए, इससे ये होता है आपके अटैक्स होते हैं सामने वाले का आपको पता चल जाता है, अगर आपका रोटॉन हो या फिर रेजिस लेगी हो किसी को भी अटैक कर रहा था समझ लो वहाँ पे बनता है, मेरा तो विनोसॉर भी बन चुका है भाई, अब पिपटर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा यार, क्या मतलब हद कर रहा था ना पिपटर बड़ा,
और स्नोलैक्स से तो रिवर्स लेना बहुत मुश्किल। देखो भाई केओस ट्रेक कर लिया तीन का इतना आसानी से। भाई ये लोग कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? भाई मैंने बोला था ना कोई मेरा किल चोरी करूंगा उसका मैं पूरा स्कूल चोरी कर दूंगा यार, अब लुकारियों को नहीं छोड़ूंगा यार। ये कुछ ज़्यादा अपना अल्टी यूज़ कर रहा है ना, इसको तो भाई गंदा ख़त्म करके छोड़ूंगा। भाई देख लो कैसे पोपट जैसे भाग रहे हैं, हंसी आती है कभी कभी। इस पर तो मैं ऐसे ही ट्रेन से ख़त्म कर दूंगा। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। भाई बहुत गंदा मारे लुकारियों को वो। भाई ये टायरेंटर बहुत दिमाग खराब कर रहा है भाई, हद है भाई। अब ये लो भाई एक और रिवेंज टाइम भाई गंदा वाला लॉल। भाई मेरे सोर का ये चीज़ सही है भाई, अगर किल चोरी पे उतर जाता किसी को भाई पॉइंट नहीं ले जाता और जब मारने पे उतरते तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। खुद देख लो भाई, तुम में से बहुत सारे लोगों के पास होगा मेरे सोर यार, मस्ट ट्राई यार। इसको भाई ये इसको तो ख़त्म ही कर देना भाई, ये मैं बोल दूँ ना रोटाउन से ज़्यादा मुझे खतरनाक लग रही है ये। भाई रिकर्सा भाई पोकेमॉन रेड वालों भी भाई क्या बोलूँ, उनका भी अलग ही सीन रहता है। क्या क्या ग्राफिक्स ला रहे हैं और ये भाई ये स्नोलैक्स जिसमें भी कूदता है वहीं ख़त्म हो जाता है यार, गंदा किल चोरी करता है। भाई ये देखो गार्चम का पोपट होने जा रहा है भाई, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये गया गार्चम भाई, मेरा किल चोरी कर लिया यार इसको। भाई चारिजार से बच के रहना जब भी वो अपनी अल्टी यूज़ कर ले ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम कबूतर बन जाता है भाई। सिंट्रेस को भले मार लो भाई, ये वाइल्ड पोकेमॉन बहुत कमज़ोर है, वो जो वास्तु क्वीन वगैरह आती थी ना वो सब सही थे, ये बहुत कमज़ोर है। चारिजार के बेसिक अटैक्स में जब वो वाइल्ड यूज़ करता है वो एकदम गंदा ख़त्म करता है यार। ये लो मैंने गार्डन को भी ख़त्म कर दिया भाई, ये गंदा लगता है भाई। चारिजार भी आ गया, टारानिटार भी आ गया भाई, स्केप करना पड़ेगा यहाँ से। गाइस मैंने बहुत गंदा स्केप किया है पता है, अभी हमारे एक सिंड्रेस था उसे गंदा वाला ख़त्म कर दिया था चारिजार ने। अरे यार ये सब ऐसे कैसे चलेगा गार्चम भाई, तुम्हें ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम समझते नहीं हो भाई। लुकारियों को तो भाई बिल्कुल नहीं, लुकारियों मर गया लो लॉल। गार्चम ऐसे कैसे चलेगा गार्चम लॉल यार, बहुत गंदा मार रहा हूँ भाई गार्चम को, दो बार मार चुका हूँ गार्चम को भाई। चारिजार्ड वापस से इसने मेरा उस दिन अल्टी यूज़ करके दिमाग खराब कर दिया था इसी टाइम। भाई ऐसा टेरोफ्लेम पता ही छुपके बैठा था यार, क्या बोलो यार टेरोफ्लेम को भी। भाई ये चक्कर क्या है, ये सर्कल क्या है यार, पता नहीं यार पता, ऐसा लग रहा है टायरन टायर का वही करामत हुई भाई। डुरा ड्रॉन ने रिकर्सो को ख़त्म कर दिया भाई, चार हज़ार कुछ ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है भाई। टारन का और सिंड्रेस का नहीं चाहिए भाई, इनको तो भाई ऐसे जिंदा कर रहा है आज, इन्हीं के बीच में गाड़ दूंगा। इन्हीं का जंगल है ना, मेरे को नहीं गाड़ दी इसको बे, मतलब कुछ पंगा ले रहा था यार भाई। 23 अपने पास 500 ले लीजिए, स्कोर जब मैं आ जाती हूँ भाई। 4000 से अभी मैं छोड़ना है इसको, बच कर गया था भाई, मेरे पास कम अच्छी है, मुझे स्कोर करने जाना पड़ेगा। सब बच्चे हो ये मुझे चेस कर रहा है यार भाई, झाड़ू में छुप जा रहा है लॉल। भाई क्या गंदा फंसा दिया इसको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रेट कर देना बुद्धू चारिजार्ड ठीक है, भूलना मत। और ये भाई कोई आना है भैया जरूर से ये भी खत्म भाई, इस बार तो मैंने खत्म आना, सब लोग आ गए दो गया, गार्ड का डर था वही हो गया यार। तो वैसे ही हम लोग जीत गए यार, ऊपर देख लो भाई कितने सारे हमारे दो बजे बजे इनका एक देश तक नहीं बजा है, तुम भी देख लो भाई। ये एंगर कुछ ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है और लोग आए, हम लोग जीत चुके हैं, मुझे ये सब देखने जरूर थोड़ी ना, मुझे पहले हम बता सकते हैं भाई। हमारे विनेसोर इतना तगड़ा है यार, तुम लोग भी जरूर से ट्राई कर लो यार, एकदम मस्त पोकेमॉन है विनेसोर। 573 गोल्ड, अरे वाह यार फिर से एमएसी 206 स्कोर से यार, मज़ा आ गया। खुद ही देख लो यार तुम लोग, मुझे सारे के सारे बैचेस मिल गए, स्कोर बैच, वो बैच, एसएस बैच, डिफेंस बैच को छोड़ गया, रिकवरी बैच, सपोर्टर बैच, क्या क्या बोलो भाई, सारे बैच मिल गए मुझे। तो गाइस हम लोग जीत चुके हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, और ऐसी
कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए टेक केयर।